लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शेर है, बिल्कुल लावारी शेर है। नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। नीचे ऊपर आगे पीछे सभी जगह देख लिया, अच्छी तरह से देख लिया। अरे शाबाश लाले, शाबाश। ये ले तेरा इनाम। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के। क्या हुआ? अरे ये क्या, तुम्हारे बाप का नाम लिखा हुआ है? नहीं, लेकिन हुजूर आगे पीछे ऊपर नीचे तो नहीं था। आगे से बीच में भी देखा करो, मरवा देता, पूरी क्षण में पंक्चर करवा देता। जा ढूंढ, शाम को महफिल है। क्या जानदार शेर है। अब आप कुछ फरमाइए शोला साहब। मैं देखो भाई, मुझे शेर लिखने का शौक जरूर है, लेकिन वाह वाह सुनने का शौक बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं अपना कलाम किसी को नहीं सुना। अच्छा भाई, भाई जैसे आपकी मर्जी। बैठो नहीं। पर ये आप लोग घर आए हो, आपको निराश कैसे कर सकता हूँ? वरना आप भी कहेंगे शोला जितना बढ़िया शायर है उतना ही घटिया आदमी है। नहीं नहीं, 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 आप घटिया कैसे हो सकते हैं? तो सुनिए, पूछा उनसे इश्क किया क्या ये कोई पाप है, पूछा उनसे इश्क किया क्या ये कोई पाप है। उसने कहा चुप रहो, तेरे पीछे खड़ा मेरा बाप है। क्या बाप पीछे खड़ा। आगे सुनिए। इजहारे इश्क पे उसके बाप ने जो मुझे झारा, इजहारे इश्क पे उसके बाप ने जो मुझे झारा, मैंने गुस्से में आके, मैंने
गुस्से में आके अपना कुर्ता फाड़ा। क्या कुर्ता फाड़ शेर कहा है? अरे भाई मुकर्रर 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 जी हाँ, इजहारे इश्क पे उसके बाप ने जो मुझे झारा, मैंने गुस्से में आके क्या किया? मैंने गुस्से में आके उसका कुर्ता फाड़ा। मैंने गुस्से में आके उसका कुर्ता फाड़ा। शोला साहब मेरा कुर्ता फट गया। देखो इस शेर को बनाते हुए मेरा कलेजा फट गया, इसका कुर्ता फट गया। तू रोता है, तबला इसको एक नया जामा दो। पजामा? अमा कुर्ता फट गया। अरे चढ़िया दिल तड़ पानी में डूब मरो, पजामा नहीं जामा बोला है। आपने बुलाया मुझे? हाँ मिस्टर विशाल, ये स्वास्तिक फोम की पब्लिसिटी के पॉइंट्स हैं जी, इन्हें पढ़ो देखो और गौर करो जी। तुम एक शायर, स्वास्तिक फोम पे एक ऐसी कविता लिखो कि लोग सब कुछ भूल कर इसी का इस्तेमाल करें। ठीक है, मैं कल तक आपको दिखा दूंगा। जाते कहां हो, मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त। इस वक्त मेरा एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है मिस्टर चट्टोपाध्याय। अपॉइंटमेंट? कैसा अपॉइंटमेंट? मिस्टर विशाल पहले काम फिर प्रोग्राम। सॉरी मिस्टर चट्टोपाध्याय, ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है। व्हाट? ये काम आप मुझे एक घंटा पहले भी दे सकते थे, सो रहे थे आप। सो रहा था? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बट मिस्टर विशाल ये मेरा पर्सनल मामला है, तुम पूछने वाले कौन? यू आर माई एम्प्लॉय। इसका मतलब ये हुआ आप मुझसे हर वक्त काम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकता हूँ, बार बार ले सकता हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। नहीं तो आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। एग्जैक्टली मिस्टर विशाल, नौकरी को हाथों से नहीं दांतों से पकड़ो और अपने प्रोग्राम को गोली मार दो। मैं आपकी नौकरी को गोली मार सकता हूँ? ये रहे आपके कागज और ये रही आपके ड्रॉर की चाबी। बड़े खुशकिस्मत हैं आप जो 2 महीने मैंने आपकी नौकरी कर ली, वरना कहां आप और कहां मैं। नमस्ते। केले का छिलका पांव के नीचे जो आ गया, सारे जलवे सड़क पे बिखर गए, सारे जलवे। केले का छिलका पांव। क्यों शोला साहब, ये बमबारी किस लिए? अरे विशाल माय फ्रेंड, बैठो बैठो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे शायर दो। दो? हाँ दो। हाँ, दो दो। कुछ तो लियो, नहीं बताओ क्या लोग? नहीं शोला साहब, आज मुझे किसी और ने दावत नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। वेटर कोका कोला पापड़ पकोड़ा जल्दी ले आओ। हाँ ए? किधर गया चरिया? चला गया? पोजीशन में पंचर किया नहीं। डार्लिंग क्या मैं जान सकता हूँ इतने बड़े होटल में इनवाइट किस लिए किया है मुझे? क्योंकि क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हें पूरे 2 महीने हो गए एक ही जगह काम करते हुए, लगता है तुम्हारा काम में दिल लग गया है। चलो जो भी मर्जी ऑर्डर करो, आज का खर्चा मैं दूंगी। एक काम करो, ऑर्डर तुम करो और खर्चा मैं दूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं नौकरी छोड़ा हूं। तुमने नौकरी छोड़ दी? डार्लिंग जो चीज तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बन जाए उसे तोड़। मैं तुम्हें क्या करूं? मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे मैं पहली दफा नौकरी छोड़ के आया हूं। तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, कभी हकीकत को नहीं समझ सकते। हमसे पूछो कि हकीकत क्या है, हमसे पूछो कि हकीकत क्या है। तुम जिसे अपनी मोहब्बत दे दो, उसको दौलत की जरूरत
क्या है, हमसे पूछो कि हकीकत क्या है। देख कर तुमको मेरी जान गजल, देख कर तुमको मेरी जान गजल, जो न मचले वो तबीयत क्या। तबीयत तबीयत सब रखी रह जाती है जब पैसा नहीं होता। पैसा पैसा पैसा, अरे पैसा दुश्मन मोहब्बत का, दुनिया में नहीं कोई ऐसा जैसा पैसा। ये पैसा दुश्मन मोहब्बत का, दुनिया में नहीं कोई ऐसा जैसा पैसा। पैसे की खातिर जो कर लो सेठ हो जैसा कारोबार, सट्टा रेस क्लब और विस्की पर होगा इसका आधार। सट्टा रेस क्लब विस्की, पैसे की खातिर जो कर लूं शेठ हूं जैसा कारोबार, सट्टा रेस क्लब और विस्की पर होगा इसका आधार। तेरी बात न सुनने देगी टेलीफोनों की भरमार, तेरी बात न सुनने देगी टेलीफोनों की भरमार। भर जाएंगे लॉकर लेकिन लुट जाएगा दिल का प्यार, भर जाएंगे लॉकर लेकिन लुट जाएगा दिल का प्यार। सोच के निकालो कोई और रास्ता, सट्टा क्लब और विस्की से अपना क्या वास्ता। पैसा दुश्मन मोहब्बत का, दुनिया में नहीं कोई ऐसा जैसा पैसा। फर्ज करो मैं लीडर बन कर खाऊं कौम का चंदा, खाऊं कौम का चंदा। भाइयों और बहनों, देश में संकट है, आप सबसे विनती है कि कौम के लिए चंदा दीजिए। जेबें झाड़ कर छप्पर फाड़ कर, कहीं गड़ा हो तो उसे उखाड़ कर, अब मैं तो थक गया गला फाड़ कर। तो सबसे पहले मैं अपनी पत्नी का असली हीरो का हार अर्पण करता हूँ। असली नहीं है, पता है नकली है। फर्ज करो मैं लीडर बन कर खाऊं कौम का चंदा, खाऊं कौम का चंदा। उन लोगों से हाथ मिलाऊं जिनका काला धंधा, जिनका काला धंधा। जिस दिन भांडा फूटे जनता डाले गले में फंदा, गधे पे बैठा जूते खाता घर को लौटे बंदा। अरे गधे पे बैठा जूते खाता घर को लौटे बंदा। सोच के निकालो कोई और तरकीब, लीडर बनकर जूते खाना लगता है अजीब। पैसा ये दुश्मन मोहब्बत का, दुनिया में नहीं कोई ऐसा जैसा पैसा। फर्ज करो मैं फिल्मों का फेमस हीरो बन जाऊं, फर्ज करो मैं फिल्मों का फेमस हीरो बन जाऊं, दिन भी शूटिंग रात भी शूटिंग घर आने ना पाऊं, रोज नई हीरोइन से लिपटूं प्यार के गाने गाऊं। अरे राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, अरे राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। गिर गया झुमका, गिरने तो खो गई मुंदरी, खोने तो उड़ गई चुनरी, उड़ने तो काहे कटर है वाली उम्र। अरे छोड़ो बहाना ना ना,
रोज नई हिरविन से लिपटू प्यार के गाने गाऊं, तू जल भुनकर माथा पीटे और मैं नोट दिखाऊं, और मैं नोट दिखाऊं। इसीलिए तो कहता हूं कि पैसा दुश्मन मोहब्बत का दुनिया में नहीं कोई ऐसा जैसा पैसा। ए दुश्मन मोहब्बत का दुनिया में नहीं कोई ऐसा जैसा पैसा। शोला साहब आज तो कोई नई चीज हो जाए। अरे बिल्कुल नई चीज सुनाता हूँ, आज सवेरे ही लिखी है। शेर सुनोगे तो कलेजा फट जाएगा, दिल की धड़कन रुक जाएगी। इतना खतरनाक शेर नहीं सुनना है हमें, अपना तो धंधा ही चौपट हो जाए। अड़ी जाता कहाँ है, जाता कहाँ है। अड़ी ये तो मावड़ा है। अच्छा, वो कहते हैं नहीं दिल बाग बाग हो जाएगा, तो क्या रियली दिल में गार्डन बन जाता है, क्या फूल खिल उठते हैं। तो फिर शेर सुनाइए। सुनोगे है तो ठहरिए सुनाता हूँ। अर्ज करता हूँ हमसे पूछो, किससे पूछो, हमसे पूछो कि हकीकत क्या है। तुम जिसे अपनी मोहब्बत दे दो, बड़ी उसको दौलत की जरूरत क्या है। क्या जबान है, क्या सादगी है, क्या शायरी है, वाकई कमाल कर दिया शोला साहब। कमाल ऐसा कमाल तो सिर्फ शोला साहब ही कर सकते हैं। क्यों शोला साहब? मैं भी उनसे यही कह रहा था, क्या शेर लिखा है विशाल ने। आप जरा एक मिनट ही दिलाएंगे। मुझे आपसे एक जरूरी काम है, आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ ला सकते हैं? यही फरमाइए ना शोला साहब। नहीं नहीं नहीं, पब्लिक में नहीं फरमाऊंगा। इट इज अ सीक्रेट, सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। तबला, ये तबला कार्ड दो, मैं आपको मेरा कार्ड देता हूँ, आप उसी पते पे आ जाइए। कार्ड लीजिए। अरे प्लेइंग कार्ड नहीं, विजिटिंग कार्ड दो। चरिया है, एकदम चरिया है, इसीलिए मेरा नौकर भी है। ये लो, ये मेरा कार्ड है, रामू मक्खी चंदानी, 52 यूनियन पार्क। ठीक है शोला साहब, किसी रोज हाजिर हो जाऊंगा। प्लीज नहीं, आइसक्रीम नहीं तुम्हारा। नो नो प्लीज गॉड, लाओ भाई दो आइसक्रीम दो। कौन सा वाला देना साहब, चॉकलेट रास्पबेरी मिल्क कुल्फी? नहीं प्लेन दो, प्लेन जल्दी करो ना। 2.60 रुपया देना साहब। ये लो। कितना खूबसूरत है, क्या दाम है इसका? जी कुछ भी नहीं, सिर्फ 3,000। 3,000? इसको जहां से निकाला वापस वहीं रख दीजिए। डाले यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। इंटरव्यू की तैयारियां हो रही हैं, लाइए मैं आपका हाथ पकड़ मिस्टर पॉल। सॉरी, आप तो मौका ही नहीं देती, कुदरत दे देती है खिदमत का। आप अपने केबिन पे जाइए और अपने काम कीजिए। इन अपने काम से तो आया हूँ, इन लोगों का इंटरव्यू तो साहब ले रहे हैं, हमारा इंटरव्यू आप ले लीजिए। मिस्टर पॉल, मुझे ये सब बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं, आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं आनंद बाबू से कंप्लेन कर दूंगी, समझे? नो, 50,000। 50,000 कॉपीज फर्स्ट एडिशन में? एक पब्लिशर की हैसियत से हमारा फर्ज है कि एक अच्छे लेखक की हिम्मत बढ़ाएं। ये लो, प्रिंट 50,000। यस सर। अरुणा, आज काम जल्दी खत्म हो गया, हम जाते हैं। अब जा रहे हैं? क्यों क्यों, क्या हुआ?
आज आपको इंटरव्यू लेना है, कैंडिडेट्स आए हुए। ओहो, फंस गए। सोचा था क्लब जाएंगे, बोटिंग करेंगे। कितने कैंडिडेट्स हैं? सिर्फ 10। 10? बुलाओ। आदरणीय महोदय, नमस्कार। क्षमा कीजिएगा, मेरा नाम है पिचकारी लाल पंचोटिया, शास्त्री, साहित्य रत्न एवं आचार्य। बैठिए। धन्यवाद। आप इतने बड़े विद्वान होकर इस छोटी सी नौकरी में क्यों इंटरेस्टेड है? इसलिए कि संसार में हर बड़ी वस्तु का शुभारंभ छोटी विधि से होता है। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। अब ये बताइए, क्षमा कीजिए, यदि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? देखिए, आप इंटरव्यू लेने आए हैं या देने आए हैं? आदरणीय महिला, मैं नौकरी और विवाह को एक जैसा समझता हूं, दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं। जिस प्रकार पत्नी आप प्रतिदिन नहीं बदल सकते, उसी प्रकार नौकरी का बदलना भी कठिन है। स्वामी के बारे में जानना सदा उचित रहता है। आप मेरे पुरखों के बारे में जानना चाहेंगे या मेरे? आपके बारे में ही जानकर संतुष्ट हो जाऊंगा, निर्वाह तो आपके साथ करना है। मेरा शुभ नाम है आनंद कुमार। नाम तो बड़ा ही आनंदमय है। कभी कभी क्लब चला जाता हूँ। मेरा तो ये प्रतिदिन का कार्यक्रम है। ताश खेलता हूँ। मुझे भी इससे अत्यंत रुचि है। रंगीन मिजाज हूँ। यह दुर्बलता मुझमें भी है। काम को सीरियसली नहीं लेता। श्रीमान, मैं तो काम ही नहीं करता। महाशय, ऐसा प्रतीत होता है विधाता ने मुझे और आपको एक दूसरे के लिए ही रचा है। हमारा साथ अत्यंत सुखमय होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अब जा सकते हैं। आदरणीय महोदय, अकस्मात ये वातावरण कैसे बदल गया? ये आप घर जाकर ठंडे दिल से सोच सकते हैं। प्लीज गो। महाशय, आप हाथ में आया हुआ रत्न खो रहे हैं। साहित्य रत्न आचार्य, हु इज नेक्स्ट? मिस्टर विशाल। मिस्टर विशाल, मिस्टर विशाल, मिस्टर विशाल। हाय, कदा मस्ताना, सर से पांव तक छाई हुई। तुम्हारी ये शायरी मुझे भी साथ ले डूबेगी। तो अच्छा है ना डार्लिंग, दोनों साथ साथ मरेंगे। मैं पूछती हूँ इंटरव्यू में क्यों नहीं आए? 100% नौकरी मिल जाती। इसीलिए नहीं आया। ओहो विशाल, कब आंखें खुलेंगी तुम्हारी? जरा देखो तो, वक्त कितना बदल गया है। कहाँ बदला, वही रोज का वक्त है। बस बहुत हो गया, अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही। जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मोहब्बत तो करोगी ना? मजाक 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 उड़ाते जाओ मेरी बातों का, पछताओगे। मैं किसी पैसे वाले का हाथ पकड़ लूंगी। अरुणा, इस ख्याल से ही घबरा गए? फिर कभी ऐसी बात मुझसे नहीं निकालना। कभी नहीं। अरुणा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या? अरे, ये तो वही नेकलेस है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है, लेकिन ये तो बहुत कीमती है। 3000, इतने सारे रुपए कहां से आए तुम्हारे पास? मेरे पास क्या रुपयों की कमी है? क्या सोचती हो? ए, तुम्हारी मोटरसाइकिल कहां है? मोटरसाइकिल चोरी हो गई कल। इस शहर में चोरियां बहुत होने लगी हैं। झूठे, मेरे लिए बेच डाली, अब खुद तकलीफ उठाओगे। विशाल, इतना मत चाहो मुझे। ये मेरे बस की बात है, अरुणा। क्या मैं तुम्हारी इतनी सी खुशी भी पूरी नहीं कर सकता? विशाल, एक
एक कमी रह गई है। तुम जरा यहां बैठो और आंखें बंद कर लो। That's it. तुम? ये क्या हरकत है? ये मेरी किस्मत है डार्लिंग कि तुम यहां मिल गई। देखो मिस्टर पॉल, बरसों से देख रहा हूं। और देखना कोई गुनाह नहीं। तुम कौन हो? मुझे नहीं जानते? अरुणा, बता दूं इसे मैं कौन हूं? इससे क्या पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूं। हुजूर, अभी बताता हूं। कमी रह गई थी ना, अब कुछ बात बनी है ना। मैं अंदर आ सकता हूं? ओ आनंद बाबू, आइए आइए। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं? नॉट एट ऑल, तशरीफ रखिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, मुझे खांसी भी आती है। ओ इफ यू डोंट माइंड, मुंह खोलो। आ और खोलो। आ ये मिक्सचर है, दिन में 3 बार लो और फिर 3 दिन के बाद आना। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। क्या जालिम पेशा अख्तियार किया है मेरे यार ने, गालों पे हाथ, बालों में उंगलियां, आंखों में आंखें डालकर मुंह देखा जा रहा है। अरे तुम पर तो बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। अरे मेरे भाई, जवानी के सारे फॉर्मूले तो तुम्हारे पास। वो कैसे? रिसेप्शनिस्ट है तो लड़की, टाइपिस्ट है तो लड़की, अरे पब्लिशिंग कंपनी क्या खोली है, परिस्तान बनाया है। अरे पर तुम्हारी जैसे हरकतें तो नहीं करता। आ, 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 कोई पेशेंट आ रहा है, कम इन। नमस्ते डॉक्टर अंकल। नमस्ते। ओ अरुणा, हर रोज काम छोड़कर चले आते हो, बिचारी को पीछे पीछे भागना पड़ता है। क्या करूं, 5:30 बजे नहीं कि किसी का गंजा सर सामने आ जाता। कुछ रह गया क्या? हाँ एक मिनट। अरुणा आंखों का क्या हाल है? सॉरी डॉक्टर अंकल, आपकी दवा से कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, पड़ते वक्त वही चक्कर, वही आंखों के सामने अंधेरा। दवाई बाकायदा डालती हो ना? हर रोज। अरे तुम किसी अच्छे डॉक्टर को रिकमेंड करो। तुम चुप रहो जी। अरुणा ये मेरा कार्ड डॉक्टर माथुर को दे देना, वो यहाँ के सबसे बड़े आई स्पेशलिस्ट हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और डॉक्टर माथुर हर सुबह 8 से 10 बजे तक म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में मिलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। दैट्स ऑल राइट। ओ अरे देखो तो अरुणा, वो फोटो किसका था? जी फोटो किसी का तो नहीं। किसी का तो है? हाँ है, वो फोटो मेरी सहेली का है। सहेली का? ओ यानी लड़की का है। लड़के का तो नहीं है? लड़का? जी हाँ, मेरा मतलब जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हम देख सकते क्यों डॉक्टर? बिल्कुल, दिखाओ भाई। दिखाओ डॉक्टर अंकल, ये सहेली पर्दा करती है। मगर ये फोटो तो पर्दा नहीं करती। हम बूढ़ों से क्या पर्दा, क्यों आनंद? बिल्कुल, अब तुम देख कर रहेंगे इस पर्दे में क्या है। देखिए बात यह है कि उससे पूछे बिना नहीं दिखाना चाहिए ना। तुम खामखा घबरा रही हो, हम दोनों यही समझ रहे हैं कि ये फोटो किसी लड़के का नहीं है, क्यों आनंद? बिल्कुल। अब मैं जाऊं? अच्छा जाओ।
बात तो खुल गई डॉक्टर, कुछ रोमांस का चक्कर है। सुनो डॉक्टर, अरुणा मेरे सेक्रेटरी मुझसे कहने में शर्माएगी, जरा तुम पता चलाओ लड़का कहाँ रहता है, क्या करता है, तो उससे शादी करा दें। ठीक है, बेचारी वैसे भी इस दुनिया में अकेली है। डॉक्टर जब तक मैं जिंदा हूं अकेले नहीं है। ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है इसमें अलग अलग रंग की लाइट दिखेगी, जो भी रंग दिखेगा वो आप बताएंगे। रेडी सिस्टर स्टार्ट। रेड। गुड। ब्लू। ग्रीन। नेक्स्ट। हाँ। ऑरेंज। गुड। पिंक। राइट। स्लिट लैंप। ओके लाइट्स। आपकी रिपोर्ट में डॉक्टर अब्राहम को भेजूंगा। थैंक यू डॉक्टर। ओके विशाल मेरे यार, माय फ्रेंड। कैसे हैं शोला साहब? बस बस क्लास, तुमसे एक बड़ी सीक्रेट बात करनी है, इधर आओ। शोला साहब यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, वो क्या सीक्रेट है बिटवीन यू एंड मी। पहले बैठो। नहीं पहले बैठो। देखो जमी से आलू और प्याज निकलता है तो लोग घर में रखे बैठ जाता है क्या? जी नहीं, घर में रखेंगे तो गल सड़ जाएंगे। अरे यही तो, तुम्हारे दिमाग के गुलशन से निकले हुए फल फूल को क्यों अपने पास रखना चाहते हो? शोला साहब आप शायरी को आलू और प्याज समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरा मतलब नहीं समझा। वो कुदरत की क्रिएशन है, ये तुम्हारी क्रिएशन है। जब कुदरत की क्रिएशन बिक जाती है तो तुम क्यों शर्माता है? अच्छा तो आप मेरे शेर खरीदना चाहते हैं? एग्जैक्टली, मैं शोहरत का भूखा हूं, मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए। तुम्हारे दिमाग से शेर निकलेगा, वाड़ी मेरी जेब से नोट। वो बड़ी क्या शेर है वो, बागबा भी खुश हो गया, सयाद भी खुश हो गया। लेकिन शोला साहब मैं पढ़ाई चीज कैसे बेच सकता हूँ? पढ़ाई? अरे तुम भी चोरी का माल रखता है क्या? बड़ी हम तो समझा था तुम खुद लिखता है। शोला साहब लिखता तो मैं खुद ही हूँ, लेकिन किसी और के लिए। मेरी शायरी मेरा प्यार है, इन गीतों पर बस एक का हक है और सिर्फ उसी का। गुलों का रंग हो तुम, साज की सदा हो तुम। गुलों का रंग हो तुम, साज की सदा हो तुम। मैं क्या बताऊं कि मेरी नजर में क्या हो तुम। गुलों का रंग हो तुम। वाह वाह वाह, होठों पर गीत, आंखों में नशा, कहाँ से होकर आई हो? ऑफिस से। अच्छा तो उसने ऑफिस आना भी शुरू कर दिया? किसने? वही जिसके गीत होठों पर और सूरत दिल में। न जाने क्या बकती रहती है, पता नहीं क्या नजर आ गया तुझ में। शक्ल सूरत तो कोई खास नहीं। क्यों जलन हो रही है? जलन? शोले भड़क रहे हैं। एक ही तो लड़का था काम का, उसे तूने फांस लिया। शट अप। ला तेरी आंखों में दवा डाल। अरे दवा बाबा को गोली मार। सुन कहने वाले ने क्या कहा है मेरी आंखों के बारे में। आंखों से तेरी झंडे बरसते हैं उजाले,
आँखों से तेरे झंडे बरसते हैं उजाले, जैसे के झरोखों से सहर झांक रही हो। यार डॉक्टर एक बात तो बताओ, मैं कितने साल और जीऊंगा? क्यों तुम बताओ तो सही, कम से कम 30 साल तुम और मरने वाले नहीं। यानी 30 साल का लंबा सफर मुझे अकेले काटना पड़ेगा? क्या मतलब? मतलब ये कोई लड़की वड़की है नजर में तुम्हारी? अरे शर्म नहीं आती, जरा अपनी उम्र तो देखो। अरे उम्र हुई क्या 52 साल? 52 नहीं 62। ऑल राइट 62, लड़की नो विधवाई सही, लेकिन तलाश तो करो। अरे भाई अगर तलाश करके मिल गई तो मैं तुम्हारे लिए क्यों अपने लिए नहीं रखूं? अरे यार तुम बड़े खुदगर्ज दोस्तों। सारे लेटर्स टाइप हो गए हैं, इसमें मिस्टर सिन्हा का भी एग्रीमेंट है, इसे आज ही भेजना है। मिस्टर आनंद आज इस बात का फैसला होकर रहेगा, ये मेरा दवाखाना है, तुम्हारा पार्ट टाइम ऑफिस। 5:30 क्या बजे तुम अपनी दुकान बंद कर यहाँ खोल लेते हो? मैं अपना दवाखाना यहाँ से उठा रहा हूँ। पछताओगे? क्यों? अरे मेरे पड़ोस की बरकत से तुम्हारी दुकान चलती है। ये तो ठीक कहा तुमने, जितने लोग तुम्हारे प्रेस में काम करने आते हैं कुछ दिनों के बाद सब बीमार हो जाते हैं। हाँ। अरुण मिस्टर सिन्हा का कॉन्ट्रैक्ट इसमें कहाँ है? क्यों इसी में तो रखा था मैंने, जरा देखो कहाँ गया। कौन सुनेगा? बचाओ, ऑफिस बंद हो चुका है। नहीं और ना, अब घबराने की बात नहीं, चुप हो जाओ। अरे
देख लूंगा साला। अच्छा हुआ पाल जेल चला गया, वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अरुणा, अब मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। मुझे नौकरी करने नहीं दोगे और तुम नौकरी करोगे नहीं, फिर हम जिएंगे कैसे? जिएंगे और बहुत अच्छी तरह जिएंगे। अब मैं नौकरी करूंगा। सच? हाँ अरुणा, मैं मेहनत से कोशिश से अपने लिए एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहां अपना एक संसार होगा, अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया होगी, जिसमें एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, फूलों भरा आंगन हो और साथ हो पपनों का, एक महल हो सपनों का, फूलों भरा आंगन हो और साथ हो पपनों का, एक महल हो सपनों का। उड़ते बादल फर्श बने और धुंध की हो दीवारें, फर्श बने और धुंध की हो दीवारें, छत के झिलमिल तारे तेरा मेरा नाम पुकारे, एक महल हो सपनों का, सपनों के इस महल में बिखरे मुस्कानों के मोती, मेरे प्यार की खुशबू फैले तेरे रूप की ज्योति, सपनों के इस महल में बिखरे मुस्कानों के मोती, मेरे प्यार की खुशबू फैले तेरे रूप की ज्योति, एक महल हो सपनों का। मैं तेरे नैनों पर कर दूं अपना सब कुछ वारी, मैं तेरी बाहों में छुप कर दुनिया सारी, मैं तेरे नैनों पर कर दूं अपना सब कुछ वारी, मैं तेरी बाहों में छुप कर भूलो दुनिया सारी, महल हो सपनों का, महल हो सपनों का, फूलों भरा आंगन हो और साथ हो सपनों का। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आनंद, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों नहीं, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। नहीं आनंद, दूसरी बात है बहुत जरूरी। हा? अंदर आओ। क्या बात है डॉक्टर? अंदर आओ। डॉक्टर तुम परेशान नजर आ रहे हो। परेशान होने की बात है, क्या हुआ? डॉक्टर माथुर की रिपोर्ट आई है। ओह, क्या रिपोर्ट है? अरुणा इज सफरिंग फ्रॉम ऑप्टिक एट्रोफी।
ऑप्टिक एट्रोफी? कोई सीरियस बीमारी है? यस, आंखों को दिमाग से मिलाने वाली नसें खराब हो जाती। 6-7 महीने के अंदर अरुणा की आंखें हमेशा के लिए चली जाएंगी। ये तुम क्या कर रहे हो? किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। शक की कोई गुंजाइश नहीं, डॉक्टर माथुर हिंदुस्तान के माने हुए आई स्पेशलिस्ट हैं। अगर हिंदुस्तान में इसका इलाज नहीं तो यूरोप अमेरिका कहीं तो होगा। सुनो डॉक्टर, तुम अरुणा को साथ ले जाओ, उसकी आंखों के लिए जो भी खर्चा होगा मैं करूंगा। आनंद, दौलत से अगर आंखें और जिंदगी खरीदी जाती तो न कोई अंधा होता न किसी को मौत आती। छह सात महीने के अंदर अरुणा की आंखें हमेशा के लिए चली जाएंगी। दुनिया आंखें बंद करके सपने देखती है और तू खुली आंखों से देख रही है। ला, तेरी आंखों में दवा डाल दो। नहीं सुधा, अब दवा की जरूरत नहीं है। मेरी आंखें हमेशा के लिए अच्छी हो गई हैं। भाई मान गए, शायरी ने दवा से ज्यादा असर दिखाया। जरा एक बार फिर तो सुना दे, कहने वाले ने क्या कहा है तेरी आंखों के बारे में? आंखों से तेरे झंडे बरसते हैं उजाले। अरे मैं गलत वक्त वापस आ गई। तेरे शायर साहब चले आ रहे हैं। विशाल, सुधा तू से कह दे मैं यहाँ नहीं हूँ। क्यों? क्यों? क्योंकि कभी कभी छेड़छाड़ अच्छी लगती है। तू मेरे लिए अपने दिल पर क्यों जुल्म कर रही है? चलो मैं चली जाऊँ। तू इन बातों को नहीं समझती मेरी अच्छी सुधा, प्लीज। हेलो विशाल। हेलो सुधा, हाउ आर यू? अरुणा है ना? वो तो अभी तक वापस नहीं आई, शायद ऑफिस में ही होगी। वापस नहीं? ऑफिस से तो कब की चल चुकी, फोन किया था मैंने। अच्छा, तो ऑफिस में भी नहीं? हाँ जरूर कहीं घूमने फिरने चली गई होगी। आजकल उसके रंग ढंग कुछ अच्छे नजर नहीं आते। आंखें लड़ाने और छेड़छाड़ करने का बहुत शौक हो गया उस कमबख्त को। सुधा जी, या तो आप मजाक कर रही हैं या फिर आप अपनी सहेली को समझी नहीं। नमस्ते। पागल लड़की आत्महत्या कर रही थी। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? मुझे नहीं, आने वाले अंधेरे से घबरा कर तुम अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहती हो। अरुणा, कल के डर से आज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं जिंदा हूं। मुझे अपनी नहीं, अपने प्यार की चिंता है। क्या उस लड़के ने तुम्हें ठुकरा दिया? अगर वो मुझे ठुकरा देता तो मैं किस्मत की सारी ठोकरें खा लेती। फिर वो मुझे इतना प्यार करता है
कि मेरी इस मजबूरी को भी वो बड़े प्यार से गले लगा लेगा। तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? आपको नहीं मालूम आनंद बाबू, उसकी माँ अपाहिज है। एक तरफ अपाहिज माँ और दूसरी तरफ अंधी पत्नी, वो क्या करेगा, किस किस को संभालेगा? वो पागल हो जाएगा। उसको बचाने के लिए मुझे मर ही जाना चाहिए। मारकर तुम उसे भी मार रही हो अरुणा, जो तुमसे इतना प्यार करता है, क्या तुम समझते हो तुम्हारी मौत सहन कर लेगा? जिस रास्ते पर आज तुम खड़ी हो, उसी आत्महत्या के रास्ते पर कल वो खड़ा होगा, उसके बाद उसकी माँ की मौत, और जिम्मेदार होगी तुम। तो फिर मैं क्या करूं? किस तरह उसकी जिंदगी सुधारूं कि मुझे भूल जाए, मुझसे नफरत करने लगे? अगर तुम चाहती हो कि तुमसे नफरत करने लगे तो एक ही उपाय, शादी। शादी? हाँ शादी। मैं किसी अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी करवा दूंगा, और तुम जिससे प्रेम करती हो वो समझेगा तुमने उसे धोखा दिया। नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरे मन और शरीर पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। ठीक है, तुम पर किसी का अधिकार नहीं होगा, तुम पत्नी कहलाओगी सिर्फ दुनिया की नजर में। सिंदूर मांग में लगेगा, तुम्हारी आत्मा पे नहीं। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। तुम मेरे घर रहोगी, ये विवाह विवाह नहीं होगा, एक निभा, एक पना, एक सहारा। अरुणा देवी नहीं है। नहीं है? आपको मालूम है कहां गई हूं? जी अरुणा आज भी नहीं आई? जी नहीं, आजकल वो नहीं आ रही है। घर पर भी नहीं, कहाँ गई होगी? ये क्या है? शादी का कार्ड। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरुणा कह रही ये सब मजाक है, ये झूठ है। ये सच है। जीवन में कभी ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान मजबूर हो जाता है। मजबूर? ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? आंखें। आंखें? हाँ, तुम्हारी आंखें, जिन्होंने कभी जिंदगी को जिंदगी की निगाह से नहीं देखा। तुम हमेशा सपने देखते रहे, रेत पर लकीरें खींचते रहे। ये लकीरें मेरी तकदीर बन गई हैं अरुणा। मैं अपना सब कुछ तुम्हें हार चुका हूँ, अपने गम, अपनी खुशियां। इसमें मेरा क्या दोष है? तो दोष मेरा है, तुमसे प्यार किया, भूल की, तुम पर विश्वास किया, गुनाह किया। क्यों मुझे अंधेरे में रखा? क्यों मेरे साथ साथ चलती रही? और चलती तो मुझे क्या मिलता? सपनों के महल, ख्यालों की छतें, शब्दों की दीवारें जिनके अंदर भूख, अंधेरे, ठोकरे। विशाल, तुम्हारी सारी पूंजी सिर्फ शायरी है, जिसकी कीमत वाह वाह के सिवाय और कुछ नहीं है। अरुणा, मैं सच्चाई में विश्वास रखती हूँ। गजलों का हार बनाकर गले में नहीं पहना जा सकता, गीतों के झुमके नहीं बन सकते। तुम मुझे हवा में उड़ा सकते हो, लेकिन मोटर कार में नहीं बिठा सकते। मैं विशाल, तुम्हें अपने भविष्य का ख्याल नहीं है, लेकिन मुझे तो है। आज तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें हमेशा कहती रही, जिंदगी को सिर्फ प्यार नहीं चाहिए। मैंने इस हकीकत को मान लिया है। अभी वक्त है अरुणा, अपना फैसला बदल लो। मैंने नौकरी भी कर ली है। नौकरी? कितने की? 500, 600, 700? इतने सी कमाई में तुम मेरी मांगे पूरी कर सकोगे? विशाल, इन रुपयों में तुम और तुम्हारी अपाहिज माँ जिंदा रह जाएं, यही बहुत है। जलील औरत, तुम्हें इंसान नहीं, रुपए बनाने वाली मशीन चाहिए। विशाल,
मुझे माफ कर देना विशाल, मुझे माफ कर देना विशाल, विशाल। नहीं घरे अच्छे भला तले अच्छे। शोला तुम मेरे गीत खरीदना चाहते थे ना, आज मैं बेचने आया हूं। वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन तुम तो बोलता था प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत सब बकवास है शोला, इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, पैसा पैसा पैसा। बोलो मेरे गीत का क्या दोगे? 100, 200, 300? नहीं, 1,000, हर गीत का 1,000 रुपया और तुम दोगे। जुए में बेईमाने, जानता है मैं कौन हूं? ग्रीन होटल रूम नंबर 11, डिनर हमारे साथ। जी हाँ, आज रात आप हमारी मेहमान रहेंगे, आपके वक्त की कीमत। औरत और शराब दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों का काम है आग लगाना, सिर्फ आग लगाना। प्लीज कैसी बातें कर रहे हो? ठीक कहता हूं, कल तक औरत मेरी नजर में एक देवी थी, अपनी श्रद्धा के फूल उसके चरणों में चढ़ाया करता था, उसकी पूजा किया करता था, लेकिन आज आज मैं औरत जात से नफरत करता हूं। पहले तुम बताओ तुम कैसी हो? मुझे देखकर मेरे हेल्थ को पूछने की जरूरत रहती है? बड़ी स्मार्ट हो गई है। आखिर बेटी किसकी हूँ? डैडी मेरी मैगजीन कैसे चल रही है? बस चल रही है, वैसे तो नहीं चला सका जैसे तुम चला रही थी। कोई बात नहीं, अब देखिए मैं इसे कहाँ से कहाँ ले जाती हूँ। अमेरिका के लेटेस्ट ट्रेंड स्टडी किए हैं, ऐसे ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। लोग तो ऐसे ही देख रहे हैं। Who cares? डैडी आप मुझे कुछ वीक लग रहे हैं। वीक? खैर मैं आ गई हूँ, अब आप पर मेरा पूरा कंट्रोल रहेगा। लाइफ बिल्कुल ऑर्डर में, एवरी मंथ चेकअप, नो ओवरवर्क, मॉर्निंग वॉक, वक्त पर टॉनिक, शाम को बोटिंग, जल्दी उठना। अरे जल्दी। बस 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 बस, तुम अमेरिका से जर्नलिज्म करके आई हो या मेडिसिन? डैडी वहाँ हर आदमी को थोड़ी बहुत मेडिकल नॉलेज है, बड़ी जिंदा दिल कौम है वहाँ का एटमोसफियर, क्लब्स, फंक्शंस, पिचेस, कॉलेजेस, एक हंगामा था, बस सब था डैडी, मगर आप नहीं थे, मैंने आपको बहुत मिस किया। सच? होम स्वीट होम, सच अपना घर तो अपना घर होता है। डैडी आप मेरे बिना बिल्कुल अकेले पड़ गए होंगे, अब यहां आप होंगे, मैं होंगी और तीसरा कोई नहीं होगा। अरुणा, अरुणा यहां? अरुणा तुम्हारी मां है। मां? Thank you.
सोनिया, सोनिया, यू, आई एडमायर योर गट्स। एक मामूली सेक्रेटरी से करोड़पति की बीवी, इतना लंबा डिस्टेंस काफी शॉर्ट टाइम में तय कर लिया। सोनिया प्लीज, माँ से ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती, यही कहना चाहती हो ना? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए थी, जिसने मेरे डैडी के सादगी और भोलेपन का फायदा उठाया, इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ओह, पता नहीं लोग मेरे डैडी के बारे में क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे। सोनिया, जो लड़की अपने बाप की उम्र के आदमी से सिर्फ दौलत के लिए शादी कर ले, उससे जितनी नफरत की जाए कम है। आई हेट यू। तुम इस घर में रहना, मैं नहीं रह सकती। कहां जा रही हो? कहां जाना है ये अभी मैंने फैसला नहीं किया। लेकिन ये फैसला कर लिया कि इस घर में नहीं रहना है। जी हाँ, ये घर अब मेरा नहीं रहा, आपकी पत्नी का हो गया है। पत्नी की जरूरत मुझे उस वक्त थी जिस वक्त तुम 4 साल की थी। माँ बाप दोनों का प्यार देकर तुम्हें इतना बड़ा किया, ये देखने के लिए कि मेरी उम्र की लड़की मेरी माँ बन कर आए? ये दुनिया कर सकती है मगर तुम नहीं। ये तुमने कैसे समझ लिया कि इस उम्र में इस हद तक गिर सकता हूँ? फिर ये सब क्या है, क्यों है? वो तो दौलत के लालच में अंधी हो गई थी, लेकिन आपकी आंखों को क्या हो गया था? मेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ, उसकी आंखों को कुछ हो गया है। मुझे माफ कर दो, अनजाने में मैंने न जाने तुमसे क्या क्या कह दिया। मुझे नहीं मालूम था तुम्हारी जिंदगी के पीछे इतनी बड़ी ट्रेजेडी है। वैसे तो मैं तुम्हें माफ पुकारूंगी, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हें दीदी कहेगा। सोनिया, सोनिया, छोटा मोटा बेजान फर्नीचर भी जब घर में आता तो सबको पता चल जाता है, लेकिन हमारे आने की किसी को खबर ही नहीं। जी मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही थी। क्या तुम सोच रही थी कि आज सोनिया को क्या ड्रेस पहनाऊं, क्या खाना खिलाऊं, क्या पिलाऊं, और हम जो मुसीबत में फंस गए उसका क्या होगा? क्या मुसीबत? मुसीबत नहीं तो क्या, क्लब में एक स्पेशल पार्टी होने वाली है, कथकली किसी ने हाथ में उठाया, मैंने हाथ उठा दिया, हद हो गई बेवकूफी की, अब तो फंस गए। देखो तो कैसा लगता है, नाचे मन मोरा मगन दिखता दिखी दिखी, नाचे मन मोरा मगन दिखता दिखी। हंसने की क्या बात है? कभी कभी तो बिल्कुल कॉमेडियन लगते हैं। कॉमेडियन नहीं, बेवकूफ कहो। और बेवकूफी का एक और नमूना देख लो, क्या लाया हूं और तुम्हें दिखाना ही भूल गया। अरे ये तो वही नेकलेस है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है। क्यों पसंद नहीं आया? बहुत पसंद आया, सोनिया के गले में बहुत अच्छा लगेगा। यह गलत है, हकीकत यह है कि जिंदगी चल रही है और कोई ट्रेजेडी से रोक नहीं सकती। जैसा मैं हाजिर हो सकता हूँ? ओ शोला साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए। क्या दिख रहे? जी भर के देख लू, 1 साल से आंखें देखने को तड़स गई थी। देखिए क्या असर है, आपको देखते ही एक फिलबद्दी शेर हो गया। तार इस मजमून का आया मुझे हालैंड से, तार इस मजमून का आया मुझे हालैंड से, सोनिया जी शेर करके आ गई इंग्लैंड से। लेकिन मैं इंग्लैंड नहीं, अमेरिका गई थी। अरे एक ही बात है, फॉरेन तो गई थी ना? फॉरेन
फाड़न से तो होकर मैं आ भी गई, मगर आप अभी तक वही के वही हैं। बड़ी सोनिया जी, वो इंसानी क्या जो अपनी जगह से हिल जावे। कुतुब मीनार अपनी जगह है, ताजमहल अपनी जगह है। अरे हाँ, ताजमहल से याद आया, शोला साहब, इस एक साल में आपका दर्द दिल कुछ तो कम हुआ होगा। कम? हरी सोनिया जी, आपकी जुदाई ने तो वो हवा दी कि शोला और भड़क उठा। जिसका सबूत है चंद शेर, इजाजत हो तो पेश करूं। फरमाइए। अभी जल्दी करो। ये चंद शेर है। जी हाँ। और ये सब आप मुझे सुनाएंगे? जी हाँ। माफ कीजिए शोला साहब, इस साल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सॉरी। अरे यही तो बदनसीबी है, ना आपके पास हमारे लिए टाइम है, ना आपके मैगजीन में हमारे शायरी के लिए कोई जगह। ये बात नहीं शोला साहब, असल में आपकी शायरी हमारी रीडर्स की समझ से बहुत ऊंची है। अरे तो आपके रीडर्स की समझ के नीचे आ जावे वैसी शायरी भी है मेरे पास, अभी पेश करता हूँ। कागज का टुकड़ा था, किधर गया? इधर है, जेब में। ये परो, ये परो। शोला साहब, वाकई ये शेर आपका है? वाकई मेरा है, 100% मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है। ये नाकामी, ये मायूसी, ये वीरानी, ये खामोशी, क्या सोच के लोग अरमानों की दुनिया को संवारा करते हैं। विशाल। ओ, सुधा जी आप? हेलो विशाल, कैसे हो? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। क्यों? मैं तो समझी थी कि अरुणा ने जो तुम्हारे साथ। छोड़िए ना इन पुरानी बातों को, ऐसा तो हुआ ही करता है। मुझे तो बहुत बुरा लगा, मैं तो उसकी शादी में भी नहीं गई। ऐसा करके आपने एक बहुत अच्छी दावत मिस कर दी। अब आइसक्रीम मत मिस कीजिए, लाओ भाई। कितना? 2 रुपए। अच्छा जी, नमस्ते। अरुणा ने ज्यादती की है, लोग ये क्यों नहीं समझते उसके बगैर भी जिया जा सकता है। जिंदगी गुजारने को साथी एक चाहिए, हुस्न गर नहीं शराब ही सही। जिंदगी गुजारने को साथी एक चाहिए, हुस्नगर नहीं शराब ही सही। हुस्नगर नहीं शराब ही सही। जब से वो गए हैं अपनी जिंदगी में, एक नया दौर आ गया है। जब से वो गए हैं अपनी जिंदगी में, एक नया दौर आ गया है। उनसे कह दो अपने दिल में, उनसे भी हसीन कोई और आ गया है। डर के आगे सर झुका के हुस्न बेवफा हुआ, आज कोई हम सफर नहीं रहा तो क्या हुआ। मेरे हम सफर
जनाब ही सही मेरे हम सफर जनाब ही सही जिंदगी गुजारने जो साथी एक चाहिए हुस्न घर नहीं शराब ही सही हुस्न घर नहीं शराब ही सही हुस्न घर नहीं शराब ही माँ माँ ये क्या ये आंखों में आंसू है माँ किसने रुलाया तुम्हें कौन है वो जिसने तुम्हें रुलाया माँ कौन है किसका नाम बताऊं बेटा अपना तेरा या तकदीर का माँ विशाल ये क्या हालत बना रखी है बेटा न घर का ख्याल ना अपनी फिक्र ना खाने का होश ये क्या हो गया है बेटा ये कैसा रोग लगा लिया है तूने रोग रोग तो खत्म हो गया माँ तू समझती है मुझे अरुणा का गम है जो मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई अच्छा माँ बहुत अच्छा हुआ अगर अगर और थोड़ी दूर उसके साथ चलता तो मैं भटक जाता माँ तू सोच रही है मैं उसे याद करता हूँ हरगिज नहीं माँ मैं उसे बिल्कुल याद नहीं करता मैं बहुत बहुत खुश हूँ माँ मैं बहुत खुश हूँ माँ मैं बहुत खुश हूँ माँ सुधा हेलो ओह मिसेज आनंद कुमार इतनी बड़ी हस्ती और मेरे इस छोटे से रूम में मैं कहां बिठा हूं आपको मुझे बिठाने की जरूरत नहीं मैं आज भी वही हूं जो पहले थी अच्छा मगर आप आ कैसे गई यादें घसीट लाई अरे हाँ विशाल से मुलाकात हुई कभी ओ तो उसका हाल जानने आई हो जो तुमने सोचा होगा उसका बिल्कुल उल्टा हुआ तुमसे अलग होकर उसने जीना सीख लिया He is very happy. बहुत मजे में है इतना खुश उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा सोनू नहीं 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 मैं ब्रश नहीं कराऊंगी मेरे बाल बिल्कुल ठीक है आजकल यही स्टाइल चल रहा है चल नहीं नहीं मैंने कह जो दिया मैं बाल ठीक नहीं कराऊंगी दीदी प्लीज बैठ यहाँ मर गए ये बता तू मुझे इतना परेशान क्यों करती है हुँ? इसलिए कि तुम्हें टीज करने में मुझे बड़ा मजा आता है आई रियली लव इट तो इतने दिन अमेरिका में रहकर यही सब सीखा तूने इसका मौका ही नहीं मिला वहां इतना प्यार करने वाली माँ कहाँ थी कितना ख्याल रखती हो मेरा अरे पगली इसमें भी एक मतलब है मतलब हाँ चंद महीनों बाद जब अंधेरे में ठोकरे खाने का समय आए तो तू मेरा हाथ थाम ले ऐसा मत कहो भगवान करे तुम्हारी जगह मेरी आंखें जी ऐसी मनहूस बात फिर कभी जुबान पर मत लाना जी रानी बादशाह एक का सारा एक दो तीन क्या किस्मत है हर बाजी जीता है अरे एक बाजी क्या हारा हर बाजी जीत रहा हूं ये साले अंगारे हैं जब तक इन्हें जला नहीं दूंगा चैन नहीं आएगा
आप टैक्सी के लिए खड़ी है ना? आज नहीं मिलेगी टैक्सी, की स्ट्राइक है। कहाँ जाना आप? मैं वहीं जा रहा हूँ। आइए, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। जी। घबराइए मत, मैं एक शरीफ आदमी, भरोसा कीजिए मुझ पर। आइए आ जाइए, आइए ना। थैंक यू। ये मॉडर्न तरीका हमें बहुत पसंद है। तीसरे की जरूरत नहीं, धंधा दो में ही पट जाता है। जी? ग्रीन होटल रूम नंबर 11। ये आप क्या कह रहे हैं? वो ये जो हर औरत से कहता आया हूँ कि वक्त की कीमत। समझ गया, आज अपनी जेब में माल बहुत है, ये लो। बकवास बंद करो, मैं वो नहीं हूँ। शराफत की आड़ में कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं आप? 500 कम नहीं होते मेम साहब, अड्डे पर से उठाया है। शट अप, गाड़ी रोको। अब ना गाड़ी रुकेगी ना कीमत बढ़ेगी। स्टॉप इट, वरना मैं गाड़ी से कूद पड़ूंगी। कहते सभी हैं लेकिन आज तक कोई नहीं कूद सका। अगर तुम नहीं भी हो, आज तुम्हें बन जाना पड़ेगा। यहाँ कोई तुम्हारी आवाज भी नहीं सुन सकेगा। प्लीज मुझे जाने दो, अगर ये दाग मुझे लग गया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। आत्महत्या के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं रहेगा। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। साहब, एक बात सुनकर जाओ, जब कभी किसी से प्यार करने को जी चाहे तो उस बेवकूफ को इतना जरूर बता देना कि धोखा कब देने जा रही हो। गुड बाय। अरे क्या हुआ, इतने घबराए क्यों है? कुछ मत पूछो, बापरे एक गुंडा मिल गया था। क्या? हाँ, मेरी कार खराब हो गई, लिफ्ट देने के बहाने वो मुझे होटल ले जाना चाहता था, मेरे जिस्म की कीमत दे रहा था। हे भगवान, मैं रोई चिल्लाई, हाथ पांव जोड़े मोटर से कूदने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? पता नहीं उसे क्या ख्याल आया, मुझे घर तक छोड़ गया। गुंडा, बदमाश कहीं का। नहीं सोनिया, अगर वो बदमाश होता तो आज तो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। वो बदमाश नहीं था। आधा बैठिए, बैठिए। तो आप लोग मुशायदा कर रहे हैं, बेशक कीजिए, बेशक कीजिए, मेरी गुड विशेष आपके साथ है। हम इस सिलसिले में आपसे चंदा लेने आए हैं। दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप लोग मुझे मुशायरे में नहीं बुलवाएंगे। अजी बस थोड़ी देर के लिए आ जाइएगा। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, शर्त फिर शर्त है, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। ये क्या, आप लोगों के चेहरे उतर गए? मैं आप लोगों का दिल खुश करने को आ जाऊंगा, जरूर आ जाऊंगा, लेकिन परूंगा नहीं, बिल्कुल परूंगा नहीं, ये तय है। मैं 2000 दूंगा। 2000? जी कसम ले लीजिए, ना तो हम आपको बुलवाएंगे और ना ही पढ़वाएंगे। आप लोग तो बहुत ही पहुंचे हुए लगते हो, ना ना कहकर हाँ कहलवाई लिया। अरे क्या मैं नहीं जानता कि 2000 रुपया चंदा देने वाले को अगर आप नहीं बुलवाएंगे तो आपकी मुशायरा कमेटी की पोजीशन में पंक्चर हो जाएगा। आप मुझे बुलवाएंगे भी और परवाएंगे भी। मैं 3000 दूंगा।
दोस्तों मैं मुशायरे में नहीं आना चाहता था, जबरदस्ती लाया गया। प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता था, बनाया गया। पढ़ना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, मजबूर किया जा रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं। बच गए तो फिर आप खड़े क्यों हैं? पोजीशन में पंक्चर। अरे मेरे भाई, मैं खड़ा जरूर हूं लेकिन मेरा गला बैठा हुआ है। तो फिर आप भी बैठ जाइए। नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग सिर्फ मेरी शायरी सुनने के लिए दूर दूर से आए हैं। बड़ी मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा। मारे गए। मैं अपने शायर दोस्त विशाल साहब से दरखास्त करूंगा कि वो यहां आकर आपको मेरा बढ़िया कलाम सुनाए। विशाल साहब तशरीफ लाइए। ये बदमाश यहां, ये बदमाश नहीं, यहां के मशहूर शायर है, तुम इन्हें नहीं जानती। ये मेरा कलाम सुना दीजिए प्लीज। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। सांसों की आंच पाक भड़कता रहेगा ये, सांसों की आंच पाक भड़कता रहेगा ये, सीने में दिल के साथ धड़कता रहेगा ये, धड़कता रहेगा ये। अब वो करम करे के सितम उनका फैसला, हमने तो दिल में प्यार का शोला जगा लिया। दिल में किसी के, माफ कीजिएगा मैं और नहीं पढ़ सकूंगा। तो कितने पैक हुए हैं? मैंने चार पैक हुए था। चार? लगता है नशा भी अपना साथ नहीं दे रहा भैया। चार पैक यहाँ कहीं गुम हो गए, नीचे गए नहीं। एक डबल नीड दे दे। अच्छा यार देखो जरा जेब भी साथ देती है या नहीं। देख सही। कितने जाना बाबूजी? कहीं जाना ही होता तो क्या बात थी जी। सरदार जी जहन्नुम के सिवा जहां जी चाहता है ले चल। जहन्नुम तो ऐसे ही जाना बाबू जी, बाल बच्चे सारे आदमी है। सरदार जी एक सेकंड, एक सेकंड। क्यों है बाबू जी? गड़बड़ हो गई, जेब खाली है। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना आप तो मेरा गला ही पकड़ लेते। हाँ ये वादा रहा, जिस दिन जेब में माल होगा आप ही की टैक्सी में घूमूंगा और सारा दिन अंगेज रखूंगा। आप टैक्सी ढूंढ रहे हैं? आज आपको टैक्सी नहीं मिलेगी, टैक्सी की हड़ताल है आज। चलिए मैं आपको लिफ्ट दे दूं। जाना कहाँ आपको? ओ घबराइए नहीं, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं एक शरीफ लड़की हूँ। चलिए आइए ना। थैंक यू।
अजीब आदमी है। कभी आपकी जेब रुपयों से भरी होती है तो कभी बिल्कुल खाली। सोचकर वो खर्च करते हैं जिन्हें कल की फिक्र हो, मैं तो आज के बारे में भी नहीं सोचता। आवारगी छोड़ दें तो आदमी बुरे नहीं है। आप जिसे आवारगी कहती हैं वही जिंदगी है। लड़कियों को पैसे से खरीदना यही जिंदगी है आपकी। बिकना बिकाना तो लड़कियों का काम ही है, ज्यादा दाम मिले तो जिंदगी भर के लिए बिक जाती है। लगता है आपने सिर्फ इस किस्म की लड़कियां देखी हैं, वो नहीं देखी जो किसी की खातिर मिट भी जाती है। ऐसी लड़कियां तो सिर्फ किताबों और कहानियों में मिलती हैं। देखिए मेरा घर आ गया, गाड़ी रोक दीजिए। लिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या जरूरत है, मैंने तो पुराना हिसाब चुकाया है। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। वाह, दिल में किसी के प्यार का चलता हुआ। अरे कौन हो बेटी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। लेकिन मैंने आपको पहचान लिया, आप विशाल की माँ है ना? हाँ हाँ, तुम विशाल से मिलने आई हो? नहीं नहीं, ये उनकी डायरी है, मेरी गाड़ी में भूल गए थे, वापस करने आई हूँ। क्या देख रही है? देख रही हूँ कि तुम दोनों में कितना फर्क है। एक तुम हो कि एक मामूली सी डायरी वापस करने आई हो, और एक वो थी जो मेरे बेटे की जिंदगी लेकर चली गई और फिर पलट कर भी नहीं देखा कि उसके पीछे मेरे बेटे का क्या हाल हुआ। कौन थी वो? उसका नाम तो मैं अपनी जुबान पर भी नहीं लाना चाहती। उसने मेरा कलेजा जलने कर दिया है। मैं सच कहती हूं बेटी, मेरा विशाल ऐसा नहीं था। उसने कभी शराब नहीं पी, कभी जुआ नहीं खेला, कभी गलियों की खाक नहीं छानी। ये सारी बर्बादी उसी की दी हुई है। मेरा फूल जैसा बेटा खाक में मिला दिया। क्षमा कीजिए मां जी, ये सब पूछकर मैंने आपका दिल दुखा दिया। नहीं बेटी, देखो ना, नहीं मैं अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई और तुम्हें चाय तक भी नहीं पूछी। नहीं नहीं, अब मैं चलती हूँ। ये कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हें चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगी बेटी। मां जी जाना है। देख बेटी, मैं एक भी नहीं सुनूंगी। तू उस कमरे में जाके कोई किताब या मैगजीन ले ले, मैं भी चाय तैयार करवाती हूँ। Thank you.
तस्वीरें बाद में देखना बेटी, पहले चाय पी लो। उलझे धागों का सिरा तो मिल जाता है, लेकिन उलझे जिंदगी का सिरा बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब तू भी ये सब महसूस करने लग गई है, लगता है तेरा दिल कहीं उलझ गया है। कहीं ये वही बदमाश तो नहीं? नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल सच कहा था, वो बदमाश नहीं, एक शरीफ आदमी है। ये सब उसका फ्रस्ट्रेशन है। एक लड़की उसे धोखा दे गई। कौन थी वो लड़की? मैं उसे नहीं जानती। लड़की को तो जानती हो, क्या नाम है उसका? उसका नाम है चुपके चुपके सब पूछ कर डैडी से कह दोगी और मेरा घर से निकलना बंद। मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम पर भरोसा किया और मारी गई। तुम्हारा मेरा रिश्ता बहुत नाजुक है। क्यों? मां जो ठहरी। रिश्ते को छोड़, साफ साफ बता तू क्या चाहती है। ये तो मैं नहीं जानती, मगर इतना जानती हूँ कि प्यार ने बिगाड़ा है और प्यार ही उसे बना सकता है। हाँ तो ठीक कहती है। सोनिया, पीछे मत जाना तो गिर जाएगी। पगली, कहीं गिर जाती तो? शाम ढल चुकी थी, चांद निकलने वाला था, हीरोइन ने हीरो को प्यार से पुकारा। मिस्टर शोला, तुम बीच में क्यों बोला? जी मैंने कहा मुंह खोला तो? अरे तबला जी, किबला, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं, मेरी उंगली काटो। असली है, असली है, हकीकत है। अरे आलू, अरे पापड़ पकोड़ा, चाय कोका कोला, वही चीज। अरे तबला, देखा, खुद भी खींची चली आई सरकार हमारी, देखा असर मेरी शायरी का। जी हाँ, ये शायरी का ही असर है जो मैं यहाँ चली आई। विशाल कहाँ है? विशाल कौन? विशाल, मैं कोई विशाल विशाल को नहीं जानता। और फिर विशाल का इंश्योरेंस से क्या मतलब? मैंने कब कहा कि मतलब है? लेकिन शोला साहब, शेर खरीदने से कोई शायर तो नहीं हो जाता? शेर खरीदने से तबला जी, किबला, पोजीशन में पंचर। आई एम सॉरी शोला साहब, अब तो बताइए विशाल कहाँ मिलेगा? अगर पैसा कम होगा तो नत्थू के जुआ खाने में, और अगर पैसा ज्यादा होगा तो पिकनिक कॉटेज में। जलता हुआ दिया दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या? दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया दुनिया की आंधियों से भला ये पूछेगा क्या? भड़कता रहेगा ये सांसों की आंच पाके, भड़कता रहेगा ये
धड़कता रहेगा ये वो नक्श क्या हुआ जो मिटाए से मिट गया वो दर्द क्या हुआ जो दबाए से दब गया दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या शोला जगा लिया दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया दुनिया की आंधियों से भला ये मुझे आप जी पर ये गीत मुझे बहुत पसंद है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा है मेरा इतना अच्छा गीत जर्सी शराबी ज्वारी आवारा ये तुम्हारा असली रूप नहीं है विशाल तुम्हारे अंदर कितनी अच्छाई कितनी रोशनी है तुम इनसे कब तक भागते रहोगे तुम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते एक दिन तुम्हें लौट कर आना पड़ेगा हेलो मैं आनंद कुमार बोल रहा हूँ जरा राजा साहब हेलो हेलो राजा साहब जी हाँ मैं आनंद कुमार हूँ मुझे सख्त अफसोस मैं आपके फंक्शन में नहीं आ सकूंगा जी बात यह है कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए मैं आजकल किसी फंक्शन में जा नहीं रहा हूँ जी हाँ आज जरा ज्यादा तबीयत खराब है मेरी मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए थैंक यू वेरी मच आप अभी तक बैठे हैं चलेंगे नहीं कहाँ राजा साहब के यहाँ उनके लड़के की शादी है आज अरे तुम तैयार होकर चली आए जी हाँ लेकिन तुम तो कहीं जाती नहीं हो अब मैं आपके साथ हर जगह चलूंगी सच हेलो 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 यही है अनंत कुमार अच्छा और ये जो साथ में खूबसूरत लड़की है
इसी से दोबारा शादी की? जी हाँ, जरा इनकी उम्र देखिए और ये जलील हरकत। जी ये सब दौलत के चौंचले हैं, शादी क्या है, अय्याशी है अय्याशी। ऐसा करते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आई। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए जो असलियत को जाने बगैर किसी पर कीचड़ उछालते। आप क्या जाने आनंद बाब, उनको समझना आसान नहीं, वो बहुत महान है, समझे? सर आप क्या लेंगे? विस्की लार्ज। एनीथिंग एल्स सर? मेक इट डबल। थैंक यू सर। हेलो मिस्टर विशाल। ओह हेलो प्रकाश, हाउ आर यू? देखिए लोगों ने आपको पहचान लिया है ना, अब वो मुझसे फरमाइश कर रहे हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि माइक पर आकर कोई अपना नया कलाम सुनाइए। मैंने नया कुछ नहीं, तो कोई पुराना ही सुना दीजिए। पुराना? पुराना तो भूल चुका हूं मैं। ठीक है विशाल साहब, शायर का एक मूड होता है, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। नहीं विशाल, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू प्रकाश, थैंक यू। मजा आ गया आज, राजा साहब तो बिल्कुल चक्कर में आ गए मुझे बिस्तर की जगह पार्टी में देखकर। सोच रहे होंगे मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा दवा पी रहा हूँ। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। कहने को दिल की बात जिन्हें ढूंढते थे हम, कहने को दिल की बात जिन्हें ढूंढते थे हम, महफिल में आ गए हैं वो अपने नसीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। नीलाम हो रहा था किसी नाजनी का प्यार, नीलाम हो रहा था किसी नाजनी का प्यार, कीमत नहीं चुकाई गई एक गरीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। तेरी वफा की लाश पे ला मैं ही डाल दूं,
तेरी वफा की लाश पे ला मैं ही डाल दूं रेशम का ये कफन जो मिला है रकीब से। देखा क्या बदतमीजी है ये, माफी मांगो इसी वक्त। मैंने कहा माफी मांगो। काउंसल मिस्टर प्रकाश, ये क्या बात है, आपके होटल का स्टैंडर्ड इस कदर गिर गया है, ऐसे घटिया आदमी को आप यहां आने देते हैं? आई एम सॉरी, वेरी सॉरी सर, उसकी इस हरकत के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। आनंद बाबू, उसके पूरे हालात अगर आप सुनेंगे तो आप भी उसे माफ कर देंगे। क्या मतलब? मैं विशाल को अच्छी तरह जानता हूँ, वे नहायत अच्छा और शरीफ लड़का है, लेकिन उसे एक लड़की से बेहद प्यार था। जब से वो लड़की उसे धोखा दे गई है उसकी ये हालत हो गई। इसका ये मतलब तो नहीं हो किसी भी लड़की का अपमान करे? लेकिन वो अपने होश में नहीं है, जुआ शराब औरतें दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। आनंद बाबू, कसूर विशाल का नहीं, कसूर उस लड़की का है जिसने उसे धोखा दिया है, कहीं का नहीं रखा बेचारे को, उसे बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। आनंद बाबू, कसूर विशाल का नहीं, कसूर उस लड़की का है जिसने उसे धोखा दिया है, कहीं का नहीं रखा बेचारे को, उसे बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। नहीं, मैं विशाल को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उसे कह दूंगी जो कुछ भी मैंने किया उसे अपने अंधेपन के बोझ से बचाने के लिए किया। मैंने कोई बेवफाई नहीं की, मेरी शादी शादी नहीं, एक दिखावा है, सिर्फ दिखावा। उसे सब कुछ कह दूंगी, सब कुछ कह दूंगी। अरे सब तोड़ डाला मेरे दुकान के, सब चला कर डाला। पुलिस, ए पुलिस, हैंड्स अप। में से विशाल कौन है? विशाल हम हैं हुजूर, कहिए क्या तकलीफ है? चलो बाहर, तुम्हारी जमानत भर दी गई है। जमानत? वारी तकदीर यहां भी धोखा दे गई। चलिए मालिक। यार ये तो बताओ, ये अपना कौन पैदा हो गया? क्या मैं पूछ सकता हूं ये मेहरबानी किस लिए? इसलिए कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। जी जी, और हो भी क्यों ना, आप में कितनी खूबियां हैं। जुआ आप खेल सकते हैं, शराब आप पी सकते हैं, लड़कियों के साथ रातें आप गुजार सकते हैं, मारपीट करना आपको आता है, आप तो भला किसको मोहब्बत नहीं होगी। उतर जाओ, तुम्हारा अड्डा आ गया। मैं समझी थी कि तुम्हें थोड़ी बहुत शराफत बाकी होगी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत था, तुम कभी नहीं सुधरोगे। उतर जाओ, तुम्हारी जगह यही है। नहीं विशाल, मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें जिंदगी में वापस लाकर आऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। माय फ्रेंड, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करता, मैंने इन शेरों का धंधा बंद कर दिया है। मैं असली शेर बाजार में चला गया हूं, सोना चांदी लोहा ऐसा कुछ है तो बात करो नी। लेकिन शोला साहब, ये शेर मैंने जेल की तन्हाई और खामोशी में खासतौर पर आपके लिए लिखे हैं। जेल की कोठरी में लिखे हो या यमराज की गोदड़ी में लिखे हो, मुझे ये धंधा नहीं करना,
साला इसमें दिल भी टूटता है, दो टका भी नहीं छूटता है। मैं तुम्हारे शेर नहीं खरीदूंगा। मैं खरीदूंगी। तुम खरीदोगी? हाँ, तुम्हें तो शेर बेचने से मतलब है, खरीदार कोई भी हो। मेरी पोजीशन में पंक्चर, मेरे घर में आकर मेरे दिल पे आड़ा चला रही हो। तुम बेचो, ये खरीदे, करो सौदाबाजी, बैठो, पापड़ पकोड़ा पानी जो चाहिए खाओ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। आई कान टाल रही थी। मुझे रुपयों की बड़ी सख्त जरूरत थी। मुझे मालूम है जरूरत किस लिए थी। ये शराब और शबाब का भी अजीब रिश्ता है। जहां रगों से उतरी लड़की याद आने लगती है। तो चलो मेरे साथ। कहां? लड़की के पास। तुम ले जाओगी? क्यों, जो तुम्हें जेल से छुड़ा सकती है, तुम्हारी शायरी खरीद सकती है, तुम्हें शराब पिला सकती है, वो तुम्हें लड़की के पास भी ले जा सकती है। चलो 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 लड़की के पास। कहाँ है लड़की? तुम्हारे सामने। क्या देखते क्या हो? लाओ निकालो पैसे। सोनिया, बदला ही तो लेना है, मुझसे भी ले लो। तुम्हारी दुश्मनी तो पूरी औरत जात से है। ये क्यों सोचते हो लड़की कौन है, किसकी बहन है, किसकी बेटी है? मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं। मगर इस किस्म की जिंदगी पसंद है। शायरी को नोटों से बदलना, नोटों से मजबूर लड़कियों को खरीदना, उनकी इज्जत से खेलना, शराब की बोतल में डुबकियां लगाना, यही है ना तुम्हारी जिंदगी? शराब। बुरा लगा? मैं ये सब सुनने के लिए यहाँ नहीं आया। तुम्हें सुनना पड़ेगा। जिंदगी की एक छोटी सी नाकामी ने तुम्हें पागल कर दिया है, और तुम हर लड़की को अपने पागलपन का निशाना बनाना चाहते हो, फिर मुझे क्यों बख्श रहे हो? आगे बढ़ो और बुझा लो अपनी प्यास, मिटा लो अपनी प्यास, पूरा कर लो अपना इंतकाम। Right eye close. Good. Light in center. Now. Now. Yes. Lights. Report. Optic atrophy. No. My goodness. ये आपकी report है? Impossible. क्या बात है डॉक्टर? प्लीज गॉट इट। मिस अरुणा सहगल, केस नंबर 130। गुड। And, अरे मिस लीला कुमारी,
केस नंबर 130, 130 यहां भी और 130 यहां भी, डबल नंबरिंग, एक ही रिपोर्ट दो पेशेंट्स को। प्लीज डॉक्टर बताइए ना क्या हुआ। आई एम सॉरी, स्ट्राइक की वजह से आपकी रिपोर्ट गलत हो गई। रिपोर्ट गलत हो गई? यस, यू डोंट हैव ऑप्टिक एट्रोफी। नो ऑप्ट, तो फिर आपको जो चक्कर आते हैं उसका कारण ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपको आंखों की कोई बीमारी नहीं? कोई बीमारी नहीं, मैं अंधी नहीं होंगी? नहीं, मैं हमेशा देख सकूंगी। ऑफ कोर्स। सच? डॉक्टर, डॉक्टर आपने मुझे नई जिंदगी दे दी। मेरा प्यार, मेरी खुशी मुझे फिर से मिल जाएगी। वो दिन फिर से लौट आएंगे। विशाल, विशाल मेरा हो जाएगा। विशाल साहब को जल्दी बुलाओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। वो तो क्लब गए हैं। क्लब? अच्छा। चले थे जमाने से मुंह फेर कर, यकायक तेरा सामना हो गया। सुनो, कल मेकअप के साथ बनठन के आना। क्यों जी, स्किन टेस्ट है मेरा। मजाक छोड़ो, कल मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाऊंगी। सोनिया, अगर तुम्हारी माँ ने मुझे नापसंद कर दिया तो? इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरी पसंद और मेरी माँ की पसंद बिल्कुल एक है। अरुणा, अब मैं नौकरी करूंगा। सच? हाँ, मैं मेहनत से, कोशिश से अपने लिए एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहां अपना एक संसार होगा, अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया होगी, जिसमें एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, ला 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 ला। बंद करो, बंद करो ये गाना। ऐसे गीत मेरे घर में नहीं गाए जाएंगे। सुना तूने? मैं इनका एक शब्द भी तेरे मुंह से नहीं सुनना चाहती। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया तुम्हें? गीत तो तुम्हें अच्छे लगते थे। हाँ, हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। न जाने मैं क्या कह गई। ये क्या हो रहा है मुझे? जैसे जैसे ये चक्कर, ये बीमारी बढ़ रही है, मेरे होश गुम होते जा रहे हैं। सोनिया, सोनिया मुझे माफ कर दे। मेरे जीते जी ये गीत अधूरा नहीं रहेगा। तुम यहाँ? हाँ। क्यों? मुझे तुमसे कुछ कहना है। यही कहने आई हो ना कि सोने चांदी के ढेर पर नींद नहीं आती तुम्हें, दम घुटने लगा है तुम्हारा, पछता रही हो, भूल हो गई है तुमसे। बोलो, यही कहने आई हो ना? नहीं विशाल, मैं जहां भी हूं बहुत खुश हूं। तो फिर अपनी मनहूस सूरत दिखाने यहां क्यों आई हो? अब यहां तुम्हें कोई नहीं पहचानता। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। क्यों? वो कौन सी चीज है जो तुम्हारा खरीदार तुम्हें नहीं दे सका? मैं अपने लिए नहीं, मैं सोनिया के लिए। सोनिया?
सोनिया से तुम्हारा क्या वास्ता? मैं सोनिया की मां हूं। सोनिया की मां तुम? हां, मैं तुमसे कहने आई हूं कि मां का बदला बेटी से मत लेना। बदला? अरुणा, मैंने कभी नरक की एक तस्वीर देखी थी जो आज तक मेरे दिमाग पर नक्श है, और वो तस्वीर हूबहू तुम से मिलती है। तुम जैसी खुदगर्ज और मौका प्रस्त औरत सोनिया की मां कहलाने के काबिल नहीं। तुम जितनी जलील हो, सोनिया उतनी महान है। सोनिया को तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। सोनिया, तो वो लड़का विशाल था जिसके लिए तुमने अपने आप को मिटा दिया, और मैंने उसी की जिंदगी में कदम रखा। तूने क्या किया? ये मैंने क्या किया? तूने बहुत अच्छा किया, वही किया जो मैं चाहती थी। नहीं, तुमने उसे कह क्यों नहीं दिया कि तुम नरक की तस्वीर नहीं, त्याग की मूर्ति हो, जिसने अपना जीवन बर्बाद करके उसे नया जीवन दिया। तुम्हें बुरा भला कहने का उसे कोई हक नहीं, तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। पागल मत बन सोनिया, तू अच्छी तरह जानती है सब मैंने क्यों किया। मुझे विशाल की नफरत चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। मैं उसकी जिंदगी सुधारना चाहती थी, वो तूने सुधार दी। नहीं दीदी, ये नहीं हो सकता। मैं विशाल की जिंदगी से दूर हट जाऊंगी। ये तू नहीं कर सकती, मैं तुझे ये नहीं करने दूंगी। एक निराशा ने उसे पागल कर दिया था, अब ये दूसरी निराशा उसकी जान ले लेगी। दे, विशाल से कुछ नहीं कहेगी, वचन दे सोनिया। जब लड़का सोनिया को पसंद है, तुम्हें भी पसंद है, तो समझ लो मुझे भी पसंद है। मैं चाहती हूँ सोनिया की शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि अब मेरे पास समय बहुत कम रह गया है। मैं समझता हूँ अरुणा, चलो चलकर मुहूर्त निकलवाते हैं। क्या सोच रही हो अरुणा? सोच रही थी सोनिया की शादी बड़ी धूमधाम से हो। शादी बड़ी धूमधाम से ही होगी, लेकिन सोनिया की नहीं, तुम्हारी, विशाल के साथ। विशाल के साथ मेरी शादी? क्या भूल गई कि मैं अंधी होने वाली हूँ? मुझे आंखों की बीमारी है। तुम्हें कोई बीमारी नहीं जी। डॉक्टर माथुर से मुझे मालूम हो गया तुम्हारी रिपोर्ट गलत थी। मैं तुम्हें विशाल के ले जा रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी शादी हो चुकी है। तुम अच्छी तरह जानती हो वो शादी नहीं दिखावा था। कुछ भी था, लेकिन अब विशाल मेरी जिंदगी से निकल चुका है। निकल चुका था, अब वापस आ गया है। ये अब क्या कह रहे हैं? अब सोनिया की जिंदगी से खेलना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं सोनिया की माँ हूँ। वो रिश्ता अब खत्म समझो। कुर्बानियों की एक हद होती है अरुणा, मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। विशाल तुम्हारा है। नहीं, अब गाड़ी रोकिए। क्यों? मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। प्लीज गाड़ी रोकिए, प्लीज, नहीं तो मैं तुम्हें कूद पड़ूंगी। तो फिर गाड़ी रोकिए। ये क्या हुआ? क्या हुआ? ब्रेक लग नहीं रहा। ऐसी की तैसी कर दिया अनंत कुमार की, साले ने जेल भिजवाया था। अब क्या हुआ? ये टूट गया।
क्या करें? अनंत बाबू की गाड़ी आनंद बाबू आनंद बाबू आनंद बाबू आनंद बाबू विशाल विशाल आनंद बाबू विशाल आनंद बाबू अरुणा के क्या क्या हुआ आंखों को क्या हुआ आंखों को अरुणा की आंखों को क्या हुआ आनंद बाबू नहीं दादी क्यों लेकिन यार डॉक्टर एक बात तो बताओ मैं कितने साल और जीऊंगा क्यों तुम बताओ तो सही कम से कम 30 साल तुम और मरने वाले नहीं आनंद बाबू आनंद बाबू ने मेरे लिए क्या नहीं किया ताने सहे बदनामी उठाई यहां तक मुझे बचाते हुए अपनी जान भी दे दी अब क्या मेरा फर्ज नहीं उनकी बेटी को खुश रखना हाँ हाँ क्यों नहीं अब तुम्हारे सिवा उसका है भी कौन तो फिर इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए मेरी मदद आपको सबसे कहना होगा मेरी आंखें हमेशा के लिए चली गई आंखें चली गई क्या मतलब सोनिया भी विशाल से प्यार करती है अगर उसे पता चल गया कि मेरी आंखें ठीक है तो मेरे कारण वो कभी विशाल से शादी नहीं करेगी और लेकिन अरुणा ये नहीं डॉक्टर अंकल प्लीज आपको मेरी कसम अरे देखो अभी गिर जाती यूं अकेले मत चला करो अब तो मुझे अकेले ही चलने की आदत डालनी चाहिए क्यों मैं जो हूं तुम्हारे साथ अगली अब मैं तुझे बहुत जल्दी घर से निकालना चाहती हूं तेरी शादी करके माफ कीजिए अरुणा देवी अगर आपको मेरी असलियत मालूम होती तो आप इस शादी के लिए हां नहीं करती मेरी आमदनी तो बहुत कम है इतनी कम कि मेरा और मेरी अपाहज मां का गुजारा भी मुश्किल से होता है विशाल दुनिया में दौलत ही सब कुछ नहीं तुम नहीं जानती सोनिया दौलत हासिल करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते अपना दिल अपना जमीर यहां तक कि खुद को भी बेच डालते हैं हां ये उनके कर्मों का फल है कि दौलत पाकर भी उनके मन को शांति नहीं मिलती कर्मों का फल असलियत क्या है कोई नहीं समझ सकता एक सुख के पीछे कितना दुख छिपा हुआ है कौन जानता है कुछ लोग दूसरों को बचाने की कोशिश में खुद डूब जाते हैं इसे तुम क्या कहोगे डूबने वाले के कर्मों का फल चलो छोड़ो इन बातों को चाय पियो
सोनिया तुम्हारे हाथ का दिया हुआ जहर भी मेरे लिए अमृत बन जाएगा। आज कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? साफ दिल वाले ही ज्यादा बोलते हैं और जिन लोगों के मन काले होते हैं ना बहुत कम बोलते हैं। क्यों अरुणा जी? अगर मैंने बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं देख सकती हूं। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन अपनी आंखों का राज नहीं खुलने दूंगी। अरे आपके चेहरे का रंग क्यों उतर गया? कोई भूली भी सी बात याद आ गई? जी नहीं तो। लेकिन कुछ परेशान तो नजर आ रही हैं आप। नहीं मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। क्या हुआ? बहुत बड़ा बिच्छू था, विशाल ने तुम्हें बचा लिया। थैंक यू विशाल, थैंक यू। अरे सोनिया, शादी के कार्ड कब तक प्रिंट होकर आ जाएंगे? परसों तक। मेन साहब आपका दूध। तू जा। एक मिनट दीदी, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। अच्छा। चलो यहां बैठो। ये सिरा मजबूती से पकड़ना, सारा ऊन खोलकर देखना। क्या देखना है रे? एक गांठ पड़ गई है, ये ना खुली तो सारी डोर उलझ जाएगी। उलझ जाएगी? मैं ना कहती थी ऊपर कितनी खुली फिजा है, देखो कैसी ठंडी हवा चल रही है। हाँ मैं तुम्हें बता नहीं भूल गई, आजकल मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ। किस पर? आजकल के हालात पर। चारों तरफ कितनी बेचैनी फैली हुई है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, पैसा कम खर्चा ज्यादा, और फिर ये शॉर्टेजेस, चीजें मिलती नहीं, जिनका नतीजा है ये रोज रोज की हड़तालें, रोज रोज के बंद। अब सोनिया, इसे मैं जाने तो क्या पड़ेगी? यही वो गांठ थी जिसे मैं खोलने आई थी। आंखें होते हुए भी मेरी खुशियों के लिए तुम ठोकरे खाती रहो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। कहाँ जा रही है तू? तुम जानती हो, जाने दो मुझे। सोनिया मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारी माँ हूं। लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी दीदी समझा है, मैं तुम्हें और कुर्बानी नहीं करने दूंगी। कुछ भी हो मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सोनिया रुक जा। सोनिया, सोनिया सोनिया, क्या इतनी बड़ी कुर्बानी? और मैं अरुणा को क्या समझता रहा, क्या कुछ नहीं कहा उस बेचारी को, कौन सा ताना नहीं मारा, कौन सी गाली नहीं दी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा सोनिया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। आओ मेरे साथ। अरुणा, 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 दीदी कहाँ है? वो बाहर गई, आपके नाम ये लेटर दे रही है। अगर मेरी आत्मा की शांति चाहते हो तो तुम और विशाल शादी कर लो। मुझे ढूंढने की कोशिश बेकार है, क्योंकि जब तुम्हें यह खत मिलेगा मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। अब कहां जाएंगे? मुझे!
एक गाड़ी पीछा कर रही है। आने दो बस, देख लेंगे। कौन पास? क्या हुआ? कुछ नहीं, विशाल तुम दीदी को बचाओ, मेरी फिक्र मत करो। जो मैं गाड़ी नहीं दूंगा जी। आप क्या मुझे इतना गिरा हुआ समझती है? मैं खतरे में आपको अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। बैठो। अरुणा जल्दी जाओ, उसे बचाओ। लाल 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 साई साई साई, अगले मिनट थर्मास बहुत थक गया हूँ, पकड़ो एक मिनट। अपने बाप पानी, मैं तुम भी पियो। तेरी प्यारी प्यारी तकल को किसी की नजर न लगे।
नहीं अरुणा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। लेकिन लेकिन मैं तुम्हें सोनिया की खुशी नहीं छीनने दूंगी। अगर तुम मुझे सुखी देखना चाहते हो तो तुम्हें सोनिया से शादी करनी पड़ेगी। शादी? लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। शादी किससे? ये तूने क्या किया? जो कुछ भी किया ठीक किया, मैंने अपनी गलती सुधार ली। सोनिया घड़ी गुजर चुकी है, बात खत्म हो गई। मुझे आशीर्वाद दो दीदी। हंसते हंसते इंसान इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है, विश्वास नहीं होता।
सोनिया तुम सचमुच महान हो। आशीर्वाद नहीं दोगे सोनिया? अरे मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी कांग्रेचुलेशन दो। कांग्रेचुलेशन विशाल, कांग्रेचुलेशन। देखा विशाल, दिल की लगन भी कितनी सच्ची चीज होती है। तुमने सच्चे दिल से अरुणा को चाहा, तुम्हें अरुणा मिल गई। मैंने सच्चे दिल से सोनिया को चाहा, मुझे सोनिया मिल गई। इस रोमांटिक एटमॉस्फेयर में रोमांटिक जोड़ियां जम गई। इस खुशी के मौके पे एक रोमांटिक शेर हो जाए। मैं तेरे नैनों पर कर दूं अपना सब कुछ वारी, मैं तेरी बाहों में छुप कर भूलूं दुनिया सारी। महल हो सपनों का, महल हो सपनों का।